नमस्कार भाइयों, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इंटेल जो है स्मार्टफोन चिप्स क्यों नहीं बनाता है। बहुत लोगों को ये सवाल आता है उसके दिमाग में कि यार इंटेल इतना बड़ा प्लेयर है चिप्स मेकिंग में, लेकिन वो जो है सो स्मार्टफोन चिप्स माइक्रो प्रोसेसर क्यों नहीं बनाता है। तो इसका रीज़न है कि वो बनाने का कोशिश किया था पहले, लेकिन फेल हो गया है। फेल होने का भी एक रीज़न है कि वो जो है सो बेसिकली एक तरीके का चिप बनाता है। मतलब कहने का मतलब है कि आप उसके कंप्यूटर डेस्कटॉप प्रोसेसर ले लीजिए, तो हर एक जो डेस्कटॉप होता है उसमें हर एक एक ही तरीके का जो है सो प्रोसेसर होता है, जबकि फ़ोन में ऐसा नहीं होता है। फ़ोन में अलग अलग तरीके का जो है सो चिप्स होता है, अलग अलग तरीके का माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो इसी वजह से जो है सो इंटेल जो है सो हमेशा एक तरीके का बनाना चाहता था, और अपने ही जो इस जो प्रिंसिपल है इसके वजह से जो है सो वो माइक्रो जो है मतलब चिप्स बनाने में, कहने का मतलब फ़ोन चिप्स बनाने में वो सक्षम नहीं था, तो बंद कर दिया। फिर बाद में जब एप्पल का पहला आईफोन आया था, तो उस समय भी उसको कहा गया था कि वो आईफोन के लिए अपना जो है सो माइक्रो प्रोसेसर बनाए, लेकिन वो जो है सो मना कर दिया कि ये सोच के कि यार जो है सो उसको उसको लगा कि यार फ़ोन जो है सो बाद में जाके फ्यूचर नहीं बनने वाला है टेक्नोलॉजी का, लेकिन आज के ज़माने में फ़ोन ही जो है सो फ्यूचर है। तो इसी वजह से जो है सो आज इंटेल पीछे है स्मार्टफोन में, पीछे क्या है ही नहीं स्मार्टफोन में, और यही एक रीज़न था। तो उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आ गया हो कि इंटेल कोशिश किया था बाद में जाके, लेकिन वो फेल हो गया, और समझ में आ गया होगा आपको इस बारे में कि क्यों जो है सो इंटेल फेल हो गया। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो को फ्यूचर में देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पीस।